नमस्कार दोस्तों दोस्तों हर सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए आज ही आप हमारे साथ अन एकेडमी पर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर अब से हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में आप सबकी मदद की जाएगी। उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर पर जाकर अन एकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके फॉलो करने पर आप हमारे साथ आज ही जुड़ जाएंगे। पंजाबी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दसन जा रही हाँ, मैं तुम्हें वो क्वेश्चन दसन जा रही हूँ जिड़े कि बार बार रिपीट हुए ने हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के शुरू तो एंड तक वीडियो नू जरूर देखो ता ही तुम्हें कन्फर्म होएगा। सब तो पहला फ्रेंड्स, जो तुम मेरे चैनल पर नवे हो, पहली बार मेरे चैनल पर अजे विजिट किया तो तुम चाहते हो तुम्हें हर सरकारी और प्राइवेट दोनों नौकरी की जानकारी समय तो पहले मिल जाए तो रैड बटन दबाओ, सबसक्राइब जरूर करो, नाल बैल बटन जरूर दबाइयो। ए फ्री के नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं कोई नवी जानकारी पावगी। तो चलो फ्रेंड्स, जिदा कि तुम्हें मैं दसिया पंजाबी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दसन जा रही है, मैं तुम्हें चलो शुरू कर दिया। फस्ट क्वेश्चन देखो, फस्ट क्वेश्चन है पंजाबी का पहला व्याकरण लिखा है कि ने लिखा है, विलियम कैरी जी ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सके तो नोट जरूर कर लियो। सैकेंड क्वेश्चन देखो, पंजाबी भाषा में सब तो पहला आता है कि आता है करता। एंड तीजा है, महाकाव्य घट तो घट किन्ने सर्ग होंगे, अठ सर्ग होंगे। चौथा क्वेश्चन देखो, बनतर अनुसार वाक दिया किन्निया किस्म होंगे, बनतर अनुसार वाक दिया किन्निया किस्म होंगे, चार किस्म। पंजवा, बिंदी की है, बिंदी की है एक लगाखर है। छेवा क्वेश्चन देखो, पंजाबी वाक की तरतीब है, पंजाबी वाक की तरतीब की है, कर्ता कर्म और किरिया। सत्तवा क्वेश्चन है, पंजाबी की किस उपभाषा में सुर है, किड़ी उपभाषा में सुर है, पुआधी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लो। अठवां क्वेश्चन, पंजाबी विच शुद्ध व्यंजन होंदे हन किन्ने होंदे हन, 29 व्यंजन होंदे आ पंजाबी विच शुद्ध व्यंजन। बिंदी की है लगाखर, रिपीटेड हो गया क्वेश्चन। दसवां क्वेश्चन देखो, पंजाबी दी टकसाली भाषा केड़ी है, माझी पंजाबी दी टकसाली भाषा है। ग्यारहवां क्वेश्चन है, पंजाबी दी किस उपभाषा विच सुर है, केड़ी उपभाषा विच सुर हैगा वा पंजाबी दी, पुआधी भाषा दे विच। बारहवां क्वेश्चन देखो, पंजाबी साहित्य दा मुढ कदों कदों बजा, 8वीं 9वीं सदी तो। 13वां क्वेश्चन है, जे अक्षर पैर विच लिखे जान उन्होंने की कहते हैं, जेडे अक्षर पैर विच लिखे जाते उन्होंने कहते हैं दूत अक्षर। 14वां क्वेश्चन हैगा वा, वह धरती जिस विच शोरा होवे किहड़ी की कहिंदे, वह धरती जिहदे विच शोरा होवे कलर। अगे देखो 15वां क्वेश्चन हैगा, पंजाबी भाषा की लिपि विच किन्ने लगाखर या स्वर वाहक हन, किन्ने हन, तीन हन। पंजाबी भाषा की लिपि विच लगाखर और स्वर वाहक हन तीन। 16वां क्वेश्चन है, पंजाबी नाल संबंधित केड़ी उपभाषा नूं राष्ट्रीय भाषावां दी सूची विच रख्या गया है, इहदा आंसर हैगा वा डोगरी भाषा। नैक्सट देखो, 17वां क्वेश्चन, संसार विच सब तो पहला केड़ी लिपि पैदा हुई, केड़ी लिपि संसार विच सब तो पहला हुई सी पैदा, संकेत लिपि। 18वां क्वेश्चन हैगा, पंजाबी भाषा दी सब तो पहली ग्रामर व्याकरण 1812 दे विच किहनां ने लिखी सी, विलियम कैरी जी ने। विलियम कैरी द फर्स्ट और 18 क्वेश्चन मैं तुहानूं दस्सिया, मोस्ट इंपोर्टेंट हैगा वा, तो ये भी तुसीं चंगी तरह अपने को नोट जरूर कर लियो। नैक्सट देखो, 20वां क्वेश्चन, दुआबी भाषा बोली जाती है, दुआबी भाषा कित्थे बोली जाती है, ब्यास तो लैके सतलुज के विचकार बोली जाती है। 21वां क्वेश्चन हैगा, भाषा की छोटी तो छोटी इकाई कौन है, धुनी। पंजाबी विच किन्ने प्रकार के लिंगन होंदे हन, पुलिंग तो स्त्रीलिंग होंदे हन। नैक्सट 23वां क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की राजभाषा कौन है, पंजाबी भाषा की राजभाषा जी मनिया जाता वा वो टकसाली भाषा को मनिया जाता। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनू भी क्वेश्चन नोट कर लो, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। 24वां देखो, बोली दियाँ किस्म दसो, बोली किन्ने तरह की होंगी है, बोलचाल की बोली और साहित्यक बोली, दो किस्म होंगे। 25वां देखो, पंजाबी भाषा की राजभाषा ये रिपीट हो गया टकसाली, धुनी की होंगी है, जो हवा फेफड़िया तो होंगी हुई मूँह राही बहर आती है उन्होंने की कहते हैं, धुनी। और भाषा की होंगी है, वह साधन जिस द्वारा व्यक्ति अपने मन के भाव बोल के या लिख के प्रगट करता है उन्होंने भाषा कहते हैं। नैक्सट देखो, 28वां क्वेश्चन, खड्डी की होंगी है, जिस अखर को स्वतंत्र रूप में विचार कर सकते हैं और उस जिसका कोई अपना स्वरूप होंगे उन्होंने की कहते हैं, खड्डी धुनी कहते हैं। और स्वर की होंगे वा, स्वर होंगे जो हवा बिना रुकावट तो बाहर आती है उन्होंने कहा जाता है स्वर। और स्वर धुनिया कि भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखो ऊ वड्डा ऊ और ओ और एड़ा एड़ा ए ए यह होंगे
ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਵਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਫਰੈਂਡਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ।